बोगी और ट्रैक मेंटेनेंस मशीन। बीना रेलवे स्टेशन ये पावर वैन बीना रेलवे स्टेशन पे खड़ी है। मैं हूं राज हैदरत और मैं इस वक्त मौजूद हूं दीना रेलवे स्टेशन। आज मैं दीना रेलवे स्टेशन से रावलपिंडी तक सफ़र करूंगा और आपको बहुत ही खूबसूरत मनाजिर दिखाऊंगा। आज की मेरी जर्नी है 45 हब पाकिस्तान एक्सप्रेस की। दीना रेलवे स्टेशन से चल पड़े हम अभी, दीना से रावलपिंडी तक इंशाल्लाह अब सफ़र शुरू हो गया मेरा। ये पावर वैन दीना रेलवे स्टेशन पे खड़ी है, सिंध से आई है। एक्सीडेंट हुई है बड़ी शदीद किस्म की, कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद से ये मेंटेनेंस होगी। कंटेनर बोगी और ट्रैक मेंटेनेंस मशीन भी खड़ी हुई है दीना रेलवे स्टेशन पे। ये कंटेनर बोगी हैं। 45 हब पाकिस्तान एक्सप्रेस कराची से चली है ये और दिल्ली तक जाएगी। ये डेढ़ घंटा डिले है, डेढ़ घंटा लेट है। दीना से रावलपिंडी 500 रुपये का टिकट मिला है, जो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा किराया, ओपन टिकट है और रश बहुत ज़्यादा है गाड़ी में। बग़ैर सीट के खड़े होके जा रहा हूँ मैं इस वक्त। दीना शहर की लेवल क्रॉसिंग आ रही है आगे, फाटक बंद है और ये जो साइड आप देख रहे हैं सीधा मेन जीटी रोड की तरफ जाती है। शुक्र है मौसम अच्छा हुआ है, बादल आए हैं आज। यहाँ पर रतिया रेलवे स्टेशन है, बहुत ही हाइट पे बना हुआ है पहाड़ के ऊपर। सिर्फ ट्रेन तो रहती है, रुकती नहीं है, इसकी लूप लाइन भी बहुत लंबी है और लेंथी है लूप लाइन। अंदर करके 17 किलोमीटर अंदर आइए। पहाड़ों के बीच में खूबसूरत सा छोटा सा रेलवे स्टेशन टर्की रेलवे स्टेशन आ गया। इसी वीडियो में मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख
सुहावत फेरी बोल रही है, टनल आने वाली है, टनल से गुजरेंगे हम। ट्रैक के साथ साथ ही रोड भी है, छोटे छोटे बच्चे सब भी कर रहे हैं। सगर स्वाद रेलवे स्टेशन से पास हो रही है गाड़ी, ये ऊपर राइट स्टेशन है। इसी तो कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। सगर स्वाद रेलवे स्टेशन बारिश की वजह से स्टेशन और भी खूबसूरत हो गया, सबका ही सबका और खूबसूरत हो गया, नज़ारे भी खूबसूरत हो गए। बारिश में सफ़र करने का मज़ा भी आएगा, मौसम भी अच्छा हो गया और व्यू भी अच्छा हो गया। गुजर खान पहुँच गए हम और अभी कुछ ही देर में गुजर खान रेलवे स्टेशन आएगा और इधर बारिश बहुत तेज़ शुरू होगी। गुजर खान रेलवे स्टेशन शुरू हो गया, ये प्लेटफॉर्म है गुजर खान रेलवे स्टेशन का और यहाँ आकर ट्रेन स्टॉप होगी। 2 मिनट का स्टॉप है इसका, 2 मिनट रुकेगी यहाँ पर गाड़ी। इतना पोर्ट ऑफ हार गुजर खान डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, देख रहे हैं बारिश यहाँ पर बहुत तेज़ है। रावलपिंडी में आता है गुजर खान, ये मुसाफिर खाना है जहाँ पर मुसाफिर इंतज़ार करते हैं गाड़ियों का। 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस आ रही है इस वक्त, हवेलियाँ से चली है और ये कराची तक जाएगी। SBU-20 लोकोमोटिव के साथ कोई फास्ट पास हो रही है गुजर खान रेलवे स्टेशन से और पाकिस्तान एक्सप्रेस में रास्ता भी है क्रॉसिंग की। ट्वेल्व डाउन क्रॉस होने के बाद अब हमारी भी ट्रेन चल पड़ी है गुजर खान रेलवे स्टेशन से। ये गुजर खान रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग है, अगर आपने गुजर खान रेलवे स्टेशन की वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं कंप्लीट वीडियो। गुजर खान रेलवे स्टेशन से अब हम निकल आए हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ।
निजामाबाद रेलवे स्टेशन से पास हो रही है गाड़ी। मनक्याला गांव में अभी इंटर हो चुके हैं हम। और ये मनक्याला रेलवे स्टेशन शुरू हो गया। यहाँ से मनक्याला रेलवे स्टेशन से पास हो रही है गाड़ी हमारी। अभी स्लो कर दी है गाड़ी, मेरे ख्याल में यहाँ रुकेगी गाड़ी। रुकती तो नहीं है वैसे यहाँ पर। क्रॉस है 6 डाउन ग्रीन लाइन आने वाली है अभी कुछ ही देर में, उसके लिए रोकी है। 6 डाउन ग्रीन लाइन मनक्याला रेलवे स्टेशन से क्रॉस पास हो रही है। GU20 लोकोमोटिव इसके साथ अटैच है। इस्लामाबाद मारकला रेलवे स्टेशन से चली है और ये लाहौर तक जाएगी ग्रीन लाइन न्यू कोच इसके साथ। ग्रीन लाइन को रास्ता दिया था उस वजह से हम रुके थे और अब हमारी गाड़ी मनक्याला रेलवे स्टेशन से चल पड़ी है। ये सामने मनक्याला रेलवे स्टेशन है। और ये मनक्याला का बड़ा मशहूर ब्रिज है ट्रैफिक के लिए। प्लेटफॉर्म यहाँ से पास हो रही है ट्रेन सियाला रेलवे स्टेशन से और ये सियाला रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग है। आगे सियाला का ट्रेन आएगा आप। कोरंग इस्लामाबाद में अब हम एंटर हो चुके हैं। अभी कुछ ही देर में कोरंग टनल आएगी। इस्लामाबाद कोरंग टनल आ गई है। अभी कोरंग टनल से हम पास होंगे, ये पास हो गए हैं
और साथ ही इसके ब्रिज आ जाएगा, कोरंग रिवर ब्रिज इस्लामाबाद से पास हो रहे हैं। चकलाला रेलवे स्टेशन पहुंच गए हम अभी, और यहाँ पर 104 डाउन सबक रम खड़ी लिया जो कि हमें रास्ता दिया है GU204560 पावर अटैच के साथ रावलपिंडी से चली है ये 4:30 बजे और लाहौर तक जाएगी। ट्रेन भी स्लो होगी मेरे ख्याल में, ये भी अब रुकेंगे यहाँ पर चकलाला, तो 1 मिनट 2 मिनट का स्टॉप होते ही है। हम रुके हैं तो 104 डाउन सबा खरम चल पड़ी है। और अब हमारी गाड़ी भी चल पड़ी है आहिस्ता आहिस्ता, दोनों चल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, हमारी ज़्यादा स्लो है। ऊपर ब्रिज है जो हमार चौक और कचहरी की तरफ जाता है, और पुराने एयरपोर्ट की तरफ और रावल टाउन की तरफ जाता है, रावल रोड की तरफ। ये चकलाला ब्रिज है, चकलाला ब्रिज के पास हो रही है गाड़ी। रावल के लिए बहुत खराब फाटक से गुजर रहे हैं अपन। अब ये है नाना लई का ब्रिज, मरीड चौक से गुजर रहे हैं आप मरीड ब्रिज से। ये नीचे मरी रोड है, ऊपर मेट्रो और रेलवे ट्रैक। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब पहुंच गए हम, और स्टेशन आने वाला कुछ ही देर में। आई थिंक आपको भी अच्छी लगी होगी वीडियो, मौसम भी अच्छा था और व्यूज भी अच्छे थे और मज़ा आया आज के सफ़र में। स्टेशन आने वाला है, लोग अब अपनी बोतलें खाली कर रहे हैं और दम सारा फेंकेंगे इधर। बहुत मुश्किल से पहुंच रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म शुरू हो गया यहाँ से, और अल्लाह के फजल करम से पेटी पहुँच गया दोपहर के लिए। आ गया जी मेरा शहर, मेरा होम टाउन रावलपिंडी। मेरा सफ़र इतना ही था दीना से रावलपिंडी तक का, और अच्छा रहा सफ़र, मज़ा आया, मौसम भी अच्छा था, सफ़र भी अच्छा रहा। लेकिन टिकट बहुत महंगा था दीना से रावलपिंडी तक का, 500 का टिकट दिया था दीना रेलवे स्टेशन वालों ने। खड़े होकर आया हूँ लेकिन पता नहीं चला, सीट नहीं मिली थी, ओपन टिकट ही था इसलिए। जी तो व्यूअर, ये थी आज की मेरी दीना रेलवे स्टेशन से रावलपिंडी रेलवे स्टेशन तक की वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।